नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट रोहित किशन, लेकर के आज आपके लिए इस पैकेट की अनबॉक्सिंग। तो इस पैकेट में मुझे मिली है पनिशर का कंप्लीट कलेक्शन। बिना किसी देरी के खोलते हैं इसको और दिखा देता हूं। अमेज़न की पैकिंग बड़ी ख़तरनाक सी हो गई है यार, मतलब पैकिंग के नाम पर मजाक करके बेच देते हैं। इतनी एक्सपेंसिव बुक और ऐसे ही डाल के बेचती है, देखते हैं कैसे डाल के बेची है। अच्छा, पन्नी चिपका, टेप चिपका के भेज दी इसके ऊपर। ये क्या गोलमाल है, अरे किताब को नुकसान नहीं हो जाए। अरे यार, ये क्या किया इन लोगों ने। ऐसे कौन बेचता भाई। ये देखिए दोस्तों, ये कैसे बेची है किताब, मतलब इसके ऊपर ही टेप चिपका दिया भाई। अब देखते हैं, अगर इसका टेप निकल जाता है तो बढ़िया, नहीं तो रिफंड और क्या। गजब यार, मतलब ये तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसने ऐसे करके किताब बेची है। अब ये देखिए, इसके ऊपर ही टेप चिपका दिया किताब के ऊपर ही, हैं? ओहो, ये लीजिए, टेप निकल गया है फाइनली। और अब दशा की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी ये दुर्दशा हो जाती है यार, इतनी महंगी महंगी किताबों की अच्छा नहीं लगता है इनको। कम से कम किताबें तो ढंग से भेजनी चाहिए। पनिशर वार जर्नल द कंप्लीट कलेक्शन बाय मैट फ्रैक्शन वॉल्यूम 1। तो मेरे हिसाब से इसके वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 भी आएंगे या आए हैं, मैंने देखा था लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। खैर, इसकी स्पाइन दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, पनिशर वार जर्नल द कंप्लीट कलेक्शन बाय मैट फ्रैक्शन, और ये इसका बैक है। और कलेक्टिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखी हुई है कलेक्टिंग पनिशर वार जनरल 2006 1 to 12, रिटन बाय मैट फ्रैक्शन एंड इलस्ट्रेटेड बाय एरियल ओलिवेटी, माइक डियोडाटो जूनियर एंड लियो लिनार्डो फर्नांडिस। ठीक है, द पनिशर इज बैक। और यहाँ पे लिखा है व्हेन ए सुपर ह्यूमन सिविल वॉर ब्रेक्स आउट, फ्रैंक कैसल फाइंड हिमसेल्फ स्क्वायर इन द क्रॉस हेयर ऑफ GW ब्रिज एंड शील्ड बिग गन who always gets his man. Frank should be lying low, but when spandex-clad bad guys started carrying badges, well, that's something he just can't be abide. But can the Punisher play by Captain America's rule in the war's aftermath? Frank infiltrated a super militia bent on igniting a bloody race war. ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। तो ये है इसके अंदर इश्यू, मैंने आपको बता दिए। कंप्लीट कलेक्शन वॉल्यूम 1, ये देखिए। और इसके जो इलस्ट्रेशन ना, ये मैंने देखे थे, ये थोड़े अलग टाइप के इलस्ट्रेशन है तो इसलिए मैंने कहा। और ये अवेलेबल थी काफ़ी जगह पर, अवेलेबल थी अमेज़न पे ही अवेलेबल थी सिर्फ एक कॉपी, तो मैंने कहा यार मंगा ही लेते हैं इसको। तो पनिशर वार जनरल सिविल वॉर, जैसा कि आर्ट आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट आर्ट है इस बुक में। हैवी डायलॉग है, ऑयल पेंटेड टाइप का जो आर्ट होता है ना, उस तरीके का आर्ट है पनिशर वार जनरल सिविल वॉर। ठीक है, के कैप्टन अमेरिका। स्टोरी के बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसको पढ़ूंगा जब भी पता चलेगा। ये अपना वो कैरेक्टर जो स्पाइडरमैन का विलेन, मैं नाम बोल रहा हूँ इसका, जानवर का नाम भी वही इसका नाम है। ये वाला सीन मैंने देखा था, यही देखा था, इसका सीन मैंने देखा था। मैंने कहा यार ये पनिशर से ये कैसे लड़ रहा है, इसलिए मैंने इसको मंगाया है, इस किताब को।
तीसरा इश्यू, यहाँ पर आर्टवर्क की क्वालिटी चेंज हो गई है इस इश्यू में। फिर यहाँ पर फिर वही आर्टवर्क क्वालिटी आ गई कि टू फेजेस का बंदा बना हुआ है, सुंदर आर्टवर्क। पनिशर की कहानियाँ हमेशा ही पढ़ने में अच्छी लगती है, मतलब वो एक ग्राउंड रियलिटी पे रहती हैं और काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब पनिशर का जो ऑल इन ऑल जो एक करेक्टर है पनिशर, वो काफ़ी ज़्यादा सनकी टाइप का करेक्टर रहता है, सोचता नहीं है, मार देता है, बस मारने का बहाना चाहिए उसको। एक और सुंदर कवर आर्ट पनिशर के। मेरे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, एंड क्रेडिट में ऊपर आई बटन, इसमें आयरन मैन भी है, एंड क्रेडिट में और आई बटन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आके आप चेकआउट कर सकते हैं। ये क्या है, ये ब्लैक एंड वाइट इश्यू है एक इसका, वर्ल्ड वार हल्क। अच्छा ये भी इसमें, ये वाला भी मस्त लग रहा है सीन, देखिए बहुत बढ़िया आर्ट बना हुआ है, वर्ल्ड वार हल्क भी इसमें है क्या भाई। तो काफ़ी सारे इधर उधर के रेफरेंसेज हैं, पढ़ के ही पता चलेगा कि आखिर ये स्टोरी है कहाँ की, इन बिटवीन क्या चल रहा है। और ये एक ब्लैक एंड वाइट इशू है यहाँ पर, जॉम्बी वेरिएंट, वार जनरल ब्लैक एंड वाइट एडिशन। एंड कटिंग कुछ खास है नहीं, फ्रैंक के स्केचेस बने हुए हैं एक्स्ट्रा कंटेंट के नाम पर, कवर बाकी बीच में पिरे हुए हैं। तो कुल मिला के यही था, ये एक मुझे इश्यू प्राप्त हुआ था, अभी अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। अमेज़न का लिंक फिर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कभी अवेलेबल हो तो आप परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।